अभी जो चुनाव है उसमें क्या होगा, जलगांव में क्या होगा, देश में क्या होगा, आपको क्या लगता है? जलगांव में तो बीजेपी आएंगे, उन्मेष पाटिल श्योरली आएंगे बिल्कुल, और मोदी जी पूरे बहुमत से आएंगे, ऐसा हमारा मानना है बिल्कुल। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उन्होंने 5 साल में ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने 70 साल में नहीं किए थे। मतलब जैसे हर क्षेत्र में और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम बहुत ऊंचा किया उसने, मोदी जी ने। जो GST लगाया है अभी, उसका कैसे असर है, उसको कैसे देखते हैं आप, और नोटाबंदी को कैसे देखते हैं, नोटबंदी को? GST का जो उसने लगाया है, हालांकि पहले तकलीफ हुई थी, और जो मीडियम जो मध्य वाले जो व्यापारी है उनको अभी 40 लाख तक जो छूट दिया है, ये अच्छा काम किया मोदी जी ने, उस कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया। और नोटबंदी में भी बहुत तकलीफ हुई थी पहले, लेकिन अच्छा हुआ बिल्कुल, अभी करप्शन और कम हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। जो करप्शन के लिए मतलब जो कहा था मोदी जी ने कि 99 मतलब काला धन जो बाहर निकालेंगे ऐसे बोला था, हाँ उसमें 99% नोट वापस आ गई, RBI की बराबर है। हाँ वो उसमें थोड़ा सफल नहीं हुए मोदी जी, मतलब जैसे उन्होंने कहा था ब्लैक मनी वापस आएंगी, उसमें उतना सफल नहीं हुए। बिजनेस में क्या फ़र्क हुआ नोटबंदी के बीच? हाँ बिजनेस में कुछ समय तक प्रभाव आया बिल्कुल, थोड़ा मन मंदा चला ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में सरकार कैसी? महाराष्ट्र में 24-25 सीटें अबाउट लोकसभा की लाएंगे BJP बिल्कुल। अच्छा, महाराष्ट्र में जलगांव की बात करें, 2 गट से, उसके बारे में क्या कहेंगे? जलगांव में BJP आएंगी, हालांकि टक्कर होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, सामने वाला भी पावरफुल कैंडिडेट है।